नमस्कार, आप देख रहे हैं दखल न्यूज। मैं आपके साथ अदीब खान, मेरे साथ में सहयोगी सपना, और वक्त हो गया है मुद्दे की बात हमारे साथ में। और मुद्दा बहुत ही ज्यादा चर्चा में है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अंदर भगदड़ मच गई है। बीजेपी के कई बड़े नेताओं ने भाजपा का दामन छोड़कर कांग्रेस का हाथ थाम लिया है, और सबसे बड़ा नाम उसमें है कृषि मंत्री कमल पटेल के बचपन के दोस्त, हरदा के चाणक्य के कहे जाने वाले सुरेंद्र जैन। सुरेंद्र जैन ने ना सिर्फ भाजपा छोड़ी और कांग्रेस में शामिल हुए, बल्कि हरदा से भाजपा के प्रत्याशी और कृषि मंत्री कमल पटेल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बड़ा आरोप लगाते हुए सुरेंद्र जैन ने कहा कि हरदा में नशे का कारोबार चरम पर है, हरदा में कमल पटेल और उनका परिवार डर फैला रहा है, भय फैला रहा है, हरदा में कांग्रेस पार्टी की जीत होगी, यह भी दावा सुरेंद्र जैन ने कर दिया है। सबसे पहले सुनिए क्या कहा है सुरेंद्र जैन ने। अवैध कारोबार, जिसमें चाहे रेत खनन हो, चाहे गिट्टी का खनन हो, या हरदा जिले में चरम उत्कर्ष पर है, उसका भी मैंने विरोध किया है। जब वहाँ पर सुनवाई नहीं हुई तो मैंने अपना रास्ता चुना है। और एक बात आपको बड़े अच्छे से बताता हूँ कि 1990 में जब हमने राजनीति शुरू की थी, कमल पटेल और हमने, उस समय जो भय का माहौल हरदा जिले में हुआ करता था, उससे कहीं ज़्यादा आज भय का माहौल है। और उस समय भी हमने अपनी जान को हथेली में रख करके उसके खिलाफ संघर्ष किया था और उसको हमने समाप्त करके शांति का वातावरण निर्मित किया था। आज उसी भय के माहौल को खत्म समाप्त करने के लिए मैं पुनः पारी की शुरुआत कर रहा हूं, और निश्चित रूप से आपको विश्वास दिलाता हूं कि हरदा में कांग्रेस भारी बहुमत से विजयी होगी, और मादक पदार्थों का सेवन, अवैध कारोबार, इन पर निश्चित रूप से हम विराम लगाएंगे और हरदा जिले में शांति का, सुख का और समृद्धि का माहौल बनाने का हम वचन देते हैं। इस काम को हम पूरी तन्मयता के साथ पूर्ण करेंगे। तो सुना आपने कैसे सुरेंद्र जैन बता रहे हैं कि कैसे कमल पटेल और उनका परिवार हरदा में डर का माहौल बना रहा है, भय पैदा कर रहा है, और कैसे वो कांग्रेस पार्टी को जीत दिलाने के लिए भाजपा छोड़ करके कांग्रेस में आ गए हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या जरूरत पड़ गई सुरेंद्र जैन को, जो कि कमल पटेल के बचपन के दोस्त हैं, चाणक्य के कहे जाते हैं हरदा में, उनको भाजपा छोड़ना पड़ा? देखिए, आप सबसे पहले तो मैं आपको सुरेंद्र जी के बारे में बता दूं, वो नगर पालिका के अध्यक्ष रह चुके हैं लगातार तीन बार, और एक बार उनकी धर्मपत्नी जी भी नगर पालिका अध्यक्ष रह चुकी हैं। देखिए, कोई भी पार्टी में इतने लंबे से काम कर रहा है तो जाहिर सी बात है कि उसकी कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशंस रही होगी पार्टी से, और यहां पे यह भी कहा जा सकता है कि उनकी एक्सपेक्टेशन पूरी ना हुई हो, उनकी कोई उम्मीद पूरी ना हुई हो, या फिर पार्टी में रह, मतलब पार्टी से उनको थोड़ा सा दुख पहुंचा हो, या उन्हें वो सम्मान ना मिल रहा हो पार्टी में, शायद इस वजह से उन्होंने छोड़ी हो। और बड़ी खबर, रीवा से विकास तिवारी ने भी भाजपा को टाटा बाय बाय बोल दिया है और कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ले ली है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के गृह जिले सीहोर से जसपाल अरोड़ा ने भी भाजपा का दामन छोड़कर कांग्रेस में आ गए हैं और कह रहे हैं कि सीहोर जिले में भाजपा को सारी सीटें हरा देंगे। तो इस तरह से चुनाव आते ही नेताओं का पाला बदलने का दौर तो शुरू हो गया, पर कहते हैं कि सियासत में नेता हवा का रुख देखते हैं, जिस तरफ हवा का रुख रहता है उस दल में चले जाते हैं। आपने ये चीज तो जरूर देखी होगी कि चुनाव आते हैं तभी ये पार्टी का दल बदल क्यों होता है, इससे पहले कहां जाते हैं ये लोग भाई? बिल्कुल, क्यों? तो बात तो वही है ना, आपको टिकट नहीं मिलता, आपके काम की चीजें वहां पर नहीं होती, आपके समर्थकों को टिकट नहीं मिलता, आपको उम्मीदवार नहीं बनाया जाता, तो आप नाराज हो जाते हैं, आप पाला बदल लेते हैं। तो क्या ये कहने की बात है कि पार्टी की विचारधारा से हम जुड़े हैं? कई लोग नेता कहते हैं पार्टी हमारी माँ है, इसी पार्टी में जिएंगे, इसी पार्टी में मर जाएंगे, पर चुनाव आते ही दल बदल शुरू हो जाता है, चुनाव के बाद में फिर स्थिति वही हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, इससे तो मैं सहमत हूं कि जब चुनाव आता है आपको तभी आपकी वैल्यू क्यों पता चलती है, इससे पहले आप कहां जाते हैं? क्या इससे पहले आपको दिखाई नहीं देता कि आपकी पार्टी में कितनी इज्जत है? बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं इसमें, अपन किसी एक पर बात नहीं कर सकते, कारण तो कई होंगे जी हाँ, पर कितना असर पड़ेगा, क्योंकि भाजपा के बड़े नेता अगर छोड़ करके जाएंगे बीजेपी के, तो क्या असर पड़ेगा जनता के बीच में, क्या सोचेगी जनता कि जो नेता ही बीजेपी के अंदर में नहीं टिक पा रहे हैं,
तो वोट करेंगे जनता। जी हाँ बिल्कुल, यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि जो जिस पार्टी का था उसने आखिरी समय में पार्टी का साथ छोड़ दिया, बहुत जोर का बड़ा झटका है। जी हाँ, ये बहुत बहुत बड़ी बात पूरी भाजपा के लिए। जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है और इससे हो सकता है कि हरदा में बदलाव आ जाए, हो सकता है कि इससे हरदा में कांग्रेस आ जाए, हरदा में बदलाव आ जाएगा। जी बिल्कुल, हरदा में पलटवार हो जाएगा, गेम पूरा पलट जाएगा, ये कहना चाह रही हो सकता है, क्योंकि हरदा जिले में जो उनकी पहुंच है वो मेरे हिसाब से बहुत है। तो बहुत बढ़िया बात इन्होंने कही है, इन्होंने कहा है कि हल्के में नहीं लेना चाहिए। जब इस तरह से कोई नेता बागी तेवर अपनाता है, दूसरे दल में जाता है, भले ही वो अपने कम समर्थकों को लेकर के जाए, पर कहीं ना कहीं असर तो करता है। बिल्कुल, और बहुत बुरी तरीके से हानि भी पहुंचाता है वो सामने वाले को। और सपना, अगर मैं एक वोटर हूं, मैं एक मतदाता हूं, तो मैं तो बहुत कंफ्यूजन में रहूंगा कि ये क्या चलता है। इतने सालों तक आप एक दल में जुड़े रहते हैं, चुनाव से ठीक पहले आप पाला बदलते हैं और आपकी गारंटी नहीं कि चुनाव के बाद भी आप उसी दल में रहें। हो सकता है रिजल्ट आए, आपको आपके मन मुताबिक कोई पद ना मिले सरकार में, तो आप फिर पाला बदल लें। तो जनता के अंदर भरोसा जागे तो कैसे जागे, यहाँ पर गारंटी ही नहीं है। आप खुद देखिए ना, मतलब कोई इतने साल से किसी पार्टी में काम कर रहा है और आखिरी समय में वो पार्टी का दामन छोड़ रहा है, ये कितनी बड़ी बात है। और ये एक तरह से धोखेबाजी हुई सामने वाले के साथ कि हम आपको इतने दिन से आपको रख रहे हैं, या आप इतने समय से हमारी पार्टी के थ्रू जनता की सेवा कर रहे हैं और आप आखिरी समय में हमको धोखा देके जा रहे हैं, तो इस पे कैसे जनता भरोसा करेगी, आप खुद सोचिए। अच्छा सपना, एक मजेदार बात बताता हूं। जसपाल अरोड़ा है, ठीक है, भाजपा को छोड़ दिया उन्होंने, कांग्रेस में आ गए, नए नए कांग्रेस ही हुए हैं, पर कहते हैं ना वो जवान में जो एक बार नाम चढ़ा रहता है इतनी आसानी से नहीं जाता। बिल्कुल आज नहीं जाता। मीडिया में बाइट दे रहे थे, बोल रहे थे, बता रहे थे कि क्यों वो कांग्रेस में आए, और बोलते बोलते उन्होंने कहा कि मैं सभी लोगों से अपील करूंगा और मैं कोशिश करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी को जीत दिला दूं। फिर उन्होंने अपनी गलती मानी और तुरंत उन्होंने कांग्रेस का नाम लिया, बयान अपना सुधारा। एक बार वो सुनवा देते हैं कि क्या कहा उन्होंने, सुनिए आप लोग। तीन बार जिला पंचायत जीती सदस्य, एक बार जिला पंचायत अध्यक्ष जीता, दो बार जिला पंचायत सदस्य, दो बार नगर पालिका जीती, जनपद जीती, सारी संस्थाएं जीतने के बाद, और निर्दलीय रूप से भी जीता, जिला पंचायत भी और नगर पालिका भी। इतना जन आधार होने के बाद भी क्या पता क्या बात थी, किसके दबाव में क्यों इस टाइप से मेरे साथ किया मुझे नहीं पता है, लेकिन चूंकि मैं उस पार्टी में रहा हूँ, मेरी आदत नहीं है कि मैं किसी की बुराई भलाई करूं, बस मैं तो एक संकल्प लेके जा रहा हूं कि चारों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की विजय कराएंगे। भैया वो एडिट कर रहे हैं कांग्रेस को, क्योंकि अब जवान फिसल जाती है ना, नए नए पुराना में है ना, कांग्रेस पार्टी को विजय कराएंगे। तो सुना आपने, नेताओं ने पार्टी तो बदल ली पर एकदम से नाम नहीं उतरता, ऐसा ही कुछ ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ भी हो चुका है। बिल्कुल, कि वो भाजपा में तो चले गए पर कई बार उन्होंने मंच से कह दिया कि कांग्रेस को जिताइए, तो नाम भले ही आप चले जाए पर क्या विचारधारा इतनी जल्दी बदल जाती है नेताओं? बिल्कुल नहीं बदलती। एक तो यहाँ पर विचारधारा नहीं बदलती और दूसरे उन पर भरोसा नहीं रहता। हाँ, आप खुद सोचिए कि अगर आप किसी पार्टी में जा रहे हैं तो वो पार्टी वाले कैसे सामने वाले पे भरोसा कर लेंगे? वो तो यही सोचेंगे ना कि आप जिस पार्टी में शुरू से थे आपने उसको धोखा दे दिया, तो आप तो हमारी पार्टी में नए नए आए हैं तो आप हमें क्यों नहीं धोखा देंगे। तो यही बात है और यही चीज अक्सर होती भी है, ऐसे में जनता भी बहुत इत्मीनान के साथ में सोच कर चले कि किसको वोट देना है, क्योंकि वोट देने से पहले ये भी जरूरी है सोचना कि चुनाव के रिजल्ट आने के बाद क्या तस्वीर बनेगी, क्योंकि कोई भी हो मतदाता नहीं चाहता कि प्रदेश में बार बार चुनाव, तो वो चाहता है कि सरकार अगर बन जाए तो 5 साल पूरा चले कम से जी कम। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है क्योंकि सरकार बनना जी। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ कांग्रेस में नेता आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के भी साथ में कई नेता जुड़ रहे हैं कांग्रेस को छोड़ करके। छिंदवाड़ा कमलनाथ का गढ़ है, छिंदवाड़ा कमलनाथ का गढ़ है, छिंदवाड़ा के अंदर से कई कांग्रेस के नेता बीजेपी में शामिल हो गए, और वो नेता शामिल हुए जो 2-4 दिनों पहले तक टिकट मांग रहे थे, क्योंकि टिकट नहीं मिला तो पाला बदल लिया। तो खैर ये तो चलता ही रहेगा जी। अब नेता कहाँ जाते हैं, कहाँ से आते हैं, वो तो देखा जाएगा, पर अब सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि आप वोट डालने जरूर जाए। और देखते रहे दखल न्यूज, हमारे साथ मुद्दे की बात। चुनावी शोर में दब जाते हैं कई बार असल मुद्दे, अनसुना किया जाता है जनता की आवाज, स्वागत की बंधनवारों के पीछे का सच, शिलान्यास के पत्थरों से पथराई आंखों की हकीकत। हमारे साथ दखल न्यूज पर।
आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।